गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। जैसे कि देखिए, बीडीओ 2018 की जैसे कि परीक्षा निरस्त कर दी गई है, इसी के साथ में जो 1952 छात्र हैं उन्होंने सामूहिक इच्छा मृत्यु हेतु निवेदन लिखा है। और ये देखिए, निवेदन राष्ट्रपति जी को लिखा गया है और बहुत ही बड़ी खबर आ रही है छात्रों। जैसे कि UP SSSC ने जो भी ये किया है, जिस तरीके से परीक्षाएं निरस्त कर रही है और साथ ही में पोस्टपोन कर रही है, चार चार पाँच पाँच साल से भर्ती को रोक लगाए बैठी है, तो उसी के जवाबदेही में अब देखिए BDO 2018 के छात्र उग्र हो चले हैं। उग्र अपने हक के लिए, अपनी लड़ाई के लिए, अपनी जीविका के लिए, जैसे कुछ छात्रों ने आत्महत्या भी कर ली है। तो देखिए, छात्र जितने भी छात्र हैं उन्होंने जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनको ये चिट्ठी लिखी है, ये पत्र लिखा है, ये एप्लीकेशन लिखी है। देखिए किस प्रकार ये पत्र लिखा है। विषय 1952 छात्रों की सामूहिक इच्छा मृत्यु हेतु निवेदन। सभी ने निवेदन इस प्रकार है कि उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बोर्ड ने 1952 पदों के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक 2018 भर्ती निकाली थी। उपरोक्त भर्ती का परिणाम 28 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। भर्ती में चयनित छात्र अत्यंत प्रसन्न थे। परिणाम आने से पूर्व भी 136 छात्रों की ओमार कॉपियों को कुछ अनियमितताओं के चलते डिवार कर दिया गया था। तो देखिए पूरी डिटेल लिखी हुई है और इसमें फिर देखिए, जैसा कि महोदय सभी ने निवेदन इस प्रकार है कि उत्तर प्रदेश राज्य अधीन सेवा चयन आयोग के जितने भी मतलब जिनके छात्र रहे हैं, वो 1 साल से, कोई 2 साल से, कोई अपनी नौकरी छोड़े बैठा है, कोई अपने घर में किस तरीके से बैठा है, किसी ने कर्जा ले लिया है, किसी की शादी तय हुई थी वो रह गई है, पर हर किसी की अपनी अपनी परेशानी रही है। इस वैकेंसी की वजह से कुछ छात्रों ने आत्महत्या कर ली है और कुछ छात्र मरने की कगार पर बैठे हैं। तो देखिए, शासन हो चाहे प्रशासन हो, ध्यान दे इस बात पर, बहुत ज़रूरी है। तो ये 24 मार्च को जिस तरीके से परीक्षा निरस्त कर दी गई है, ये बहुत ही ख़राब तरीके से प्रदर्शन है ये आयोग का और साथ ही में शासन का भी। तो देखिए इसमें क्या दिया गया, परंतु परीक्षा निरस्त करने से स्पष्ट हो गया है कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए निर्दोष की बलि चढ़ा दी गई है। महोदय, हमारे जीवन जीने की इच्छा समाप्त हो गई है। तो महोदय, आपसे हमारा यह विनम्र निवेदन है कि हमें व हमारे परिवारजनों का इस दुख भरे जीवन की मुक्ति दीजिए, हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। प्रार्थी समस्त 1952 छात्र। तो देखिए बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, इच्छा मृत्यु के लिए अब छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया है BDO 2018। ऐसे ही UP SSSC के हर एक छात्र ने आंदोलन कर दिया है। जैसे कि उनकी परीक्षाएं नहीं हो रही हैं टाइम से, ना ही 2 2 साल 5 5 साल से फॉर्म फिल करे हुए हैं, पर ना वैकेंसी का आता पता है, ना रोजगार का आता पता है। और यहाँ हमारे योगी आदित्यनाथ जी 4 लाख वैकेंसी, 5 लाख वैकेंसी के वादे करते हैं, और जिस तरीके से लेखपाल में धांधलीबाजी, हर तरीके से धांधलीबाजी सजा नज़र आती है। कम से कम कुछ तो छात्रों के हक में काम करना चाहिए, बिल्कुल ही इस सरकार ने तो हद कर दी है। तो देखिए छात्रों, बहुत बड़ी खबर है आप सभी के लिए। वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।